नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे आईपीएल का मैच नंबर 4, जो खेले जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 24 मार्च को खेला जाएगा। 3:30 पर मैच स्टार्ट होगा स्वाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर की पिच पर। तो दोस्तों, आज की हमारी यूनिक ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, टॉप 10 रैंक वाली टीम कैसे बना के चल सकते हैं, कितने ट्रम्प प्लेट दोस्तों राजस्थान की तरफ से देखने को मिलेंगे, कितने ट्रम्प प्लेट दोस्तों लखनऊ की तरफ से देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रैंड लीग टीम का, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्मॉल लीग टीम का। लगभग दोस्तों 4 ऑप्शन है विकेट कीपर में, कौन से खिलाड़ी इंपोर्टेंट होंगे विकेट कीपर में, कितने खिलाड़ी लेकर चल रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, कितने बॉलर इंपोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्लस में दोस्तों 20,000 रुपए का गिव अवे क्वेश्चन रहेगा। अगर आप सही आंसर देते हो तो दोस्तों आप 20,000 रुपए का प्रॉफिट बना के लेके जाओगे इजी तरीके से। क्या गिव अवे क्वेश्चन रहेगा वो दोस्तों आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। सिंपल सा आपको फंडा करना है, वीडियो को लाइक करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अभी तक दोस्तों किसी भाई ने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस में दोस्तों आपके लिए आज की वीडियो में ऐसा ऑफर लेके आया हूं जो आपको पूरी फैंटेसी दुनिया में आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो भी 1 रुपए में। वो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे खेलना है, कौन सी एप्लीकेशन रहेगी, तो वीडियो के एंड तक दोस्तों जरूर बने रहना। बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच के बारे में। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है। पिच को दोस्तों अच्छे प्रकार से समझ के चलना। पिच आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 52 मैचेस खेले गए हैं और जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 18 मुकाबले जीते हैं, सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मुकाबले यहां पर विन किए हैं। यानी कि दोस्तों जो टीम चेस करती है उसके विनिंग चांसेस बन सकते हैं इस पिच पर। तो ग्रैंड लीग टीमों में दोस्तों जो ग्रैंड लीग टीम बनाओगे उसमें जो टीम दोस्तों बाद में बैटिंग करेगी उसके ऊपर रिस्क लेकर चलना सीवीसी का। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर 159 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों राजस्थान ने बनाया हुआ है 214 रन। सबसे कम स्कोर भी दोस्तों राजस्थान का है, ओनली 59 रन पे 10 विकेट। तो दोस्तों होम ग्राउंड रहने वाला है राजस्थान रॉयल्स का और यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स का है। बॉलिंग की बात करेंगे लास्ट के 5 मैचों की, तो दोस्तों यहां पर पेसर्स को 24 विकेट और स्पिनर्स को 27 विकेट मिली है। यानी कि पेसर्स से ज्यादा परफॉर्मेंस इस पिच पर स्पिनर्स करते हैं। ये चीज दोस्तों आपको नोट रखनी है ग्रैंड लीग टीम बनाते वक्त, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। उसके बाद दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न, 150 से नीचे यहाँ पर 16 बार स्कोर देखने को मिला है, 150-170 के बीच में 19 बार स्कोर गया था, 170-190 के बीच में 9 बार स्कोर है, 190 से ऊपर अभी तक दोस्तों इस पिच पर 8 ही बार स्कोर गया है। अगर 190 से ऊपर 15 बार या फिर दोस्तों 20 बार स्कोर देखने को मिलता तो ये पिच आपको बैटिंग पिच देखने को मिल जाती, लेकिन दोस्तों ये पिच आपको एवरेज पिच देखने को मिलेगी। बॉलर्स यहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आएंगे। जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग कर रही है, जो खिलाड़ी दोस्तों लास्ट में बॉलिंग करवाएंगे और स्टार्टिंग ओवर में आपको जो बॉलर बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा वो बॉलर के ऊपर आपको सीवीसी ट्राई करके चलना है। मान के चलते हैं दोस्तों यहां पर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करवा रही है, तो आपको राजस्थान के जो स्टार्टिंग में जो बॉलर बॉलिंग करवाएगा उसके ऊपर रिस्क लेके चलना है कैप्टन का। डेथ में जो बॉलर बॉलिंग करवाएगा उसके ऊपर रिस्क लेके चलना है कैप्टन का, वो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूंगा। बात कर लेते हैं रीसेंट मैचों के बारे में। तो दोस्तों रीसेंट में आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच खेला गया था, यहां पर 7 विकेट निकाली थी दोस्तों स्पिनर्स ने, 7 विकेट निकाल के लेके गए पेसर्स। उसके बाद राजस्थान और सनराइज हैदराबाद के बीच में मैच खेला गया, 5 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली थी, 3 विकेट यहां पर पेसर्स को। फिर यहां पर राजस्थान और सीएसके के बीच में मैच खेला गया, 7 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली थी, 3 विकेट पेसर्स को। उसके बाद दोस्तों राजस्थान और गुजरात टाइटन, 6 विकेट स्पिनर्स, 3 विकेट यहां पर पेसर्स को। तो ये दोस्तों रीसेंट के पिछले सीजन के 4 मैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर दोस्तों स्पिनर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लगभग दोस्तों हर मैच में स्पिनर्स ने
पेसर्स से ज्यादा विकेटें निकाली है। तो स्पिनर्स दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अब दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक धमाकेदार ऑफर, जिस एप्लीकेशन का नाम रहेगा दोस्तों माई इलेवन सर्कल। आपने सुना तो होगा, अब दोस्तों माई इलेवन सर्कल आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। ये चीज आप नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। क्योंकि यहां पर अगर आप पहली बार अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, मान के चलते हैं दोस्तों मैंने यहां पर इस एप्लीकेशन पे 1000 रुपए यहां पर अपने वॉलेट में डाले, तो 20% मुझे एक्स्ट्रा यहां पर फर्स्ट डिपॉजिट पे कैश मिलेगा। लगभग दोस्तों 1200 रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? अगर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, प्लस में मेरा रेफर कोड जो मैंने कूपन डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो कूपन लगाते हो, तो आपको 20% एक्स्ट्रा यहां पर फर्स्ट डिपॉजिट मिलेगा। प्लस में दोस्तों आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। और दोस्तों एक और सुन लो, यहां पर आपका फर्स्ट प्राइज अभी रिसेंट में ही 1 करोड़ है। आगे चल के आप सोच सकते हो इस पे फर्स्ट प्राइज 3 करोड़ तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2 करोड़ प्लस में महिंद्रा थार, फिर दोस्तों 1 करोड़ प्लस में गोल्ड। काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं तो दोस्तों कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ। प्लस में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो मेगा कॉन्टेस्ट होंगे, वो 5 कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी 1 रुपए में। इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको पूरी फैंटेसी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। प्लस में दोस्तों अगर आपकी जो रैंक है टॉप 10 में देखने को मिलती है, तो आप यहां पर महिंद्रा थार प्लस में दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्राइस भी विन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं तो दोस्तों कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूं। आप भी जरूर इस एप्लीकेशन पे खेलना शुरू कर दें अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन पे लगभग एंट्री तो ना बराबर है, 1 रुपए की एंट्री कोई एंट्री नहीं होती। प्लस में दोस्तों कंपटीशन लगभग आपको 0% कंपटीशन देखने को मिलेगा अदर फैंटेसी ऐप से। प्लस में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो इस एप्लीकेशन पे खेलना स्टार्ट कर दो। प्लस में दोस्तों बढ़िया प्रॉफिट बनाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से दोस्तों डाउनलोड कर लेना और मेरा रेफर कूपन जरूर लगाना अगर आपको प्रॉफिट और एक्स्ट्रा बनाना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड के, जो लास्ट के 3 मैचेस दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, उसमें दोस्तों राजस्थान की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, लखनऊ की टीम ने 1 मुकाबला विन किया है। रिसेंट के अगर पिछले सीजन की बात करें, तो 5 में से दोस्तों 3 मुकाबले यहां पर विन करके गई थी लखनऊ की टीम, और राजस्थान की टीम दोस्तों रिसेंट के 5 में से 2 मुकाबले विन करके गई थी। ये आपको पिछले सीजन के 2023 वाला सीजन का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस प्लस में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो हेड टू हेड में दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम स्ट्रॉन्ग है, और रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों लखनऊ की टीम आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहां पर राजस्थान रॉयल्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, यहां से कौन सा खिलाड़ी दोस्तों क्या परफॉर्मेंस करके देगा, किस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लेके चले, कौन सा खिलाड़ी कैप्टन में इंपॉर्टेंट है, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों वॉइस कैप्टन में इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रकार से समझ के चलना। एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनाने जा रहे हो तो प्लस में दोस्तों 20,000 रुपए का गिव्य क्वेश्चन भी आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्वेश्चन रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11, ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, उसके साथ आपको बटलर नजर आएंगे, फिर दोस्तों संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, रोमन पोवल, रियान पराग, और दोस्तों यहां से अश्विन, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 आपको राजस्थान रॉयल्स की नजर आ जाएगी। बात कर लेते हैं इनके फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों रिसेंट में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल रिसेंट में 4 रन, उसके बाद दोस्तों 68 रन, फिर यहां पर 60 रन का परफॉर्मेंस, उसके बाद फ्लॉप था, फिर दोस्तों 21 रन का परफॉर्मेंस किया। हेड टू हेड में काफी अच्छी बैटिंग करता है, 2 ही मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 85 रन इसके पास है 42 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 5 मैचेस खेल चुका है, 34 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का रहता है, और आईपीएल फॉर्मेट में 32 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट में भी काफी अच्छी बैटिंग है, प्लस में दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू दोनों फॉर्मेट में काफी अच्छी बैटिंग है, प्लस में दोस्तों ओवरऑल आईपीएल फॉर्मेट में भी काफी अच्छी बैटिंग करता है। ये खिलाड़ी आपको सीवीसी में भी देखने को मिल जाएगा, कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। प्लस में दोस्तों यूनिक ग्रैंड लीग टीम में आप इस खिलाड़ी को सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। इसके साथ आप वॉइस कैप्टनसी में बटलर को भी पिक करके चल सकते हो, विकेट कीपर ऑप्शन है, और रिसेंट में भी काफी अच्छी बैटिंग करके आ रहा है, 2 ही मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप था, बाकी 38, 64 और 45 रन का परफॉर्मेंस है। लेकिन दोस्तों हेड टू हेड में कम परफॉर्मेंस है, 18 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 55 रन। ग्राउंड पे दोस्तों 40 का एवरेज स्कोर है, टोटल 604 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं,
आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 37 का एवरेज स्कोर है, 3223 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं आईपीएल फॉर्मेट में। दोनों खिलाड़ी ओपन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें यहां पर दोस्तों अगर राजस्थान की टीम चेस करने आती है तो ही आप कैप्टन वॉइस कैप्टन से इन खिलाड़ियों के ऊपर ट्राई करना, क्योंकि जो टीम चेस करती है उसके विनिंग चांसेस बनेंगे, प्लस में दोस्तों यहां पर बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे फिर से विकेट कीपर ऑप्शन संजू सैमसन रिसेंट में फ्लॉप है। उसके बाद दोस्तों 108 रन, फिर 12 रन, 29 रन, फिर 128 रन, हेड टू हेड में 3 मैचेज, टोटल 47 रन है 15 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 23 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 29 का एवरेज स्कोर है, 3888 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं आईपीएल फॉर्मेट में। लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूं, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, क्योंकि दोस्तों यहां से मैं हेटमायर को पिक करूंगा। अगर आप यहां पर संजू सैमसन को पिक कर रहे हो तो फिर प्लस ऑप्शन आपके लिए हेटमायर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो दोस्तों हेटमायर रिसेंट में 8 रन, उसके बाद 7 रन, फिर 39 रन नाबाद, फिर यहां पर 2 रन, फिर दोस्तों 34 रन, हेड टू हेड में 2 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 61 रन इसके पास है। ग्राउंड पे दोस्तों लगभग फ्लोप है, 6 मैचों में 60 रन इसके पास है, 10 के एवरेज स्कोर से, और आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 32 का एवरेज स्कोर है और 1131 रन इस खिलाड़ी के पास है। लेकिन दोस्तों सिमरन हेटमायर आपके लिए ट्रम्प प्लेयर देखने को मिलेगा, और ये खिलाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन विकेट कीपर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि विकेट कीपिंग में दोस्तों आपको सेकंड टीम से भी काफी ज्यादा विकेट कीपर ऑप्शन मिलेंगे। निकोलस पूरन है, प्लस में दोस्तों केएल राहुल मिल जाएगा, प्लस में दोस्तों आपको यहां पर संजू सैमसन है, फिर यहां पर बटलर है, काफी ज्यादा ऑप्शन है विकेट कीपिंग के। लेकिन दोस्तों ट्राई करके चलने हैं 2 ही विकेट कीपर, और 4 के 4 विकेट कीपर आपको लगभग नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरैल रिसेंट में यहाँ पर 57 रन नाबाद, ये भी विकेट कीपर ऑप्शन में है। उसके बाद 13 रन नाबाद, 77 रन, 11 रन, 13 रन नाबाद, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था जिसमें फ्लॉप था। ग्राउंड पे दोस्तों 8 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 21 का एवरेज स्कोर है, टोटल 152 रन इस खिलाड़ी के पास है 13 मैचों में। फिर यहां से दोस्तों रोमन बोवल, ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर रहेगा, रिसेंट में दोस्तों 2 रन है, फिर यहां पर 12 रन, 30 रन, 28 रन नाबाद, 23 रन नाबाद, और रिसेंट में दोस्तों जो यहां पर परफॉर्मेंस करके आ रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, और वहां पर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इस खिलाड़ी का लगभग नंबर 5, नंबर 7 पे देखने को मिल रहा था। हेड टू हेड में 39 रन है, 3 मैचों में 13 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे पहला मैच है आईपीएल फॉर्मेट में 19 का एवरेज स्कोर, टोटल 257 रन इस खिलाड़ी के पास है 17 मैचों में। रोमन पोवल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, ध्रुव जुरैल आपके लिए विकेट कीपर ऑप्शन में जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रेयान पराग की, रिसेंट के मैचों की बात करें तो रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी ने बॉलिंग करवाई है, यहां पर 32 रन 0 विकेट, उसके बाद 8 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 50 रन नाबाद, प्लस में 2 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैचेज, टोटल 42 रन है 21 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 1 विकेट है, 13 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 82 रन है, और आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 4 विकेट है, 16 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, और प्लस में दोस्तों 600 रन इस खिलाड़ी के पास है। और ये खिलाड़ी दोस्तों अभी के लिए बात करें तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट अश्विन रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, क्योंकि दोस्तों पिच की बात करें तो पिच पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पिछले सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्पिनर्स ने भी, रिसेंट में दोस्तों 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 5 रन, 1 विकेट, 1 रन, 0 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैचेस, 41 रन है, प्लस में 3 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 9 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 171 विकेट निकाल चुका है टोटल 197 मैचों में, 13 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 714 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। ये खिलाड़ी दोस्तों ट्रम्प प्लेयर होगा और लगभग वॉइस कैप्टनसी में भी काफी अच्छी च्वाइस है। अगर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का ओपनिंग बैट्समैन फ्लॉप होता है तो ये खिलाड़ी की बैटिंग आपको कन्फर्म देखने को मिलेगी, प्लस में 4 ओवर कंप्लीट करवाएगा तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों संदीप शर्मा के साथ आपको ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। रिसेंट में दोस्तों संदीप शर्मा का जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यू परफॉर्मेंस है दोस्तों, हर मैच में विकेट निकाल रखी है, हेड टू हेड में 2 विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 124 विकेट इस खिलाड़ी के पास है टोटल 116 मैचों में, और डेथ में भी ये खिलाड़ी आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, सीवीसी में काफी बढ़िया च्वाइस है। और इसके साथ दोस्तों आपको ट्रेंट बोल्ट करवाते हुए नजर आएगा बॉलिंग, रिसेंट में कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है, फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप था, उसके बाद 1 विकेट, हेड टू हेड में
विकेट इसके पास है, 3 मैचों में ग्राउंड पे 2 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 105 विकेट निकाल चुका है टोटल 88 मैचों में। लेकिन दोस्तों यहां से दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल बॉलर यूजी चहल। रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया है, रिसेंट में भी दोस्तों 4 विकेट लेके आ रहा है, फिर यहां पर कंटिन्यू दो दो विकेट। पिच की बात करें तो 4 मैचेस टोटल 7 विकेट इसके पास है, ग्राउंड पे 5 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 187 विकेट निकाल चुका है टोटल 145 मैचों में। ये दोस्तों फाइनली आपको राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके जो स्टार्टिंग प्लस डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, यहां पर स्टार्टिंग में दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, इसके साथ आपको संदीप शर्मा, नवदीप सैनी और यहां पर आवेश खान, ये दोस्तों 4 खिलाड़ी आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। फिर दोस्तों डेथ में आपको ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, संदीप शर्मा, नवदीप सैनी और आवेश खान लगभग चांसेस हैं, कंफर्म रहेगा ट्रेंट बोल्ट, उसके साथ दोस्तों संदीप शर्मा, ये दोनों खिलाड़ी सीवीसी में काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, प्लस में यूनिक प्लस में ट्रम्प प्लेयर खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों बॉलर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ दोस्तों बात करें अगर तो संदीप शर्मा के साथ दोस्तों नवदीप सैनी की, तो इसका रिसेंट परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं बेंच प्लेयरों के हिसाब से। तो बेंच प्लेयर में दोस्तों आपको नवदीप शर्मा, उसके बाद दोस्तों कुलदीप सैन। तो नवदीप सैनी की बात करें तो रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों इस खिलाड़ी ने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है, 23 विकेट इसके पास आईपीएल फॉर्मेट में है। अगर दोस्तों यहां से बात करें आवेश खान की, तो रिसेंट के 1 विकेट 2 विकेट फिर फ्लोप है, फिर 4 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच है, ग्राउंड पे 3 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 55 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। यहां से दोस्तों कोई भी फाइनली खिलाड़ी अगर अपडेट होता है, संदीप शर्मा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो खिलाड़ी दोस्तों वो इस कैप्टनसी में काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और यहाँ से नवदीप सैनी की बात करें, अगर ये खिलाड़ी खेलता है, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं यहाँ से जो सेकंड टीम रहेगी उसके बारे में, उससे पहले दोस्तों एक बार प्लेयर बैटल और देख लेते हैं, प्लेयर बैटल में कौन सा खिलाड़ी दोस्तों कम परफॉर्मेंस करता है, बॉलर्स कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों यहाँ से लखनऊ की तरफ से बॉलर की बात करें तो यहाँ पर मार्कस टोइनिस, आयुष बडोनी, उसके बाद दोस्तों शिवम मावी, यशस्वी जायसवाल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मार्कस टोइनिस दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है और आयुष बडोनी 1 बार, 1 बार दोस्तों शिवम मावी। जोस बटलर की बात करें तो मार्कस टोइनिस 2 बार आउट कर चुका है, अमित मिश्रा दोस्तों 2 बार कर चुका है, शिवम मावी 1 बार कर चुका है। उसके बाद संजू सैमसन की बात करें तो शिवम मावी दोस्तों 5 बार और मार्कस टोइनिस 2 बार, अमित मिश्रा 1 बार। इधर से दोस्तों रोमन पोवल की बात करें तो यहाँ से रवि बिश्नोई 2 बार आउट कर चुका है और मोहसिन खान 1 बार और कुणाल पांड्या 1 बार, नवीन उलग 1 बार, रेयान पराग, रवि यहां पर बिश्नोई दोस्तों 1 बार आउट कर चुका है। यहां से इंपॉर्टेंट प्लस में सीवीसी अच्छे ऑप्शन के लिए बात करें तो यहां पर मार्कस टोइनिस को कैप्टन प्लस वो इस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि इस खिलाड़ी का दोस्तों लगभग 3 प्लेयर बैटल में नाम देखने को मिल रहा है। तो ये बॉलर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्लस में बैटिंग से परफॉर्मेंस करके देगा। बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, प्लस में प्लेइंग 11। ओपनिंग बैट्समैन केएल राहुल, उसके साथ क्विंटन डिकॉक, फिर यहां पर देवदत्त पाडिकल, उसके बाद यहां पर निकोलस पुरन, मार्कस टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, उसके बाद दोस्तों शिवम मावी, नवीन उलहग, रवि बिश्नोई, इसके साथ दोस्तों मोहसिन खान। ये आपको फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। ओपनिंग बैट्समैन में दोस्तों केएल राहुल रिसेंट में 21 रन, 56 रन, 66 रन, 39 रन नाबाद, उसके बाद 102 रन, हेड टू हेड में लगभग 40+ का एवरेज स्कोर है, टोटल 14 मैचों में यहाँ पर 580 के करीब रन है 41 के एवरेज स्कोर से, प्लस में दोस्तों 3 मैचेस इस खिलाड़ी ने ग्राउंड पे खेले हुए हैं, 46 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 138 रन इस खिलाड़ी के पास है। आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 46 का एवरेज स्कोर है। केएल राहुल विकेट कीपर ऑप्शन में काफी अच्छी चॉइस है, प्लस में सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। रिसेंट में दोस्तों हर मैच में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसके साथ आपको क्विंटन डिकॉक नजर आएगा, रिसेंट में 3 रन, उसके बाद 23 रन, 20 रन, 16 रन, 6 रन, हेड टू हेड में 9 मैचेज, टोटल 359 रन है 39 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे दोस्तों 65 रन है, आईपीएल फॉर्मेट में 32 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 2907 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। प्लस में दोस्तों बात कर लें अगर हमारे आज के गिववे क्वेश्चन की, 20,000 रुपए का जो गिववे क्वेश्चन रहेगा उसमें दोस्तों सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन रहेगा,
कि आज के मैच में केएल राहुल कितने रन बनाएगा। फटाफट से दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना वीडियो को लाइक करने के साथ। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कर सकते हो, बताओ आज के मैच में केएल राहुल कितने रन बनाने वाला है। और आराम से दोस्तों जैकपॉट का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर प्रॉफिट के साथ अपने घर लेके जाओगे। नंबर तीन पे दोस्तों यहाँ पर देवदत्त पादिकल रिसेंट में यहाँ पर 114 रन, उसके बाद 93 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट, फिर 70 रन, फिर दोस्तों 117 रन, फिर उसके बाद 71 रन। ट्रम्प प्लेयर होगा सीवीसी ऑप्शन के लिए, रिसेंट में काफी खतरनाक बैटिंग करके आ रहा है। हेड टू हेड में दोस्तों 4 मैचों में 221 रन है 55 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 17 का एवरेज स्कोर है 4 मैचों में। आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर है। निकोलस पुरन यहां पर विकेट कीपर ऑप्शन रहेगा, रिसेंट में 3 रन, 14 रन, 57 रन नाबाद, उसके बाद 36 रन, फिर यहां पर 1 रन। हेड टू हेड में 8 मैचेज, टोटल 125 रन, 15 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 41 रन है 2 मैचों में। आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 1270 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। विकेट कीपर ऑप्शन में 3 विकेट कीपर ऑप्शन दोस्तों लखनऊ की तरफ से देखने को मिलेंगे। नंबर 1 यहां पर निकोलस पुरन, नंबर 2 पे क्विंटन डिकोक, नंबर 3 पे दोस्तों केएल राहुल। लेकिन तीनों में से 2 ही खिलाड़ी पिक करके चलने हैं। यहां से क्विंटन डिकोक को ड्रॉप करके चल सकते हो, केएल राहुल को ड्रॉप कर लो, या फिर दोस्तों यहां से आपके लिए जो निकोलस पुरन है इसको ड्रॉप कर लो। तीनों में से 2 ही आप ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपको बटलर भी ऑप्शन में रहेगा, उसके साथ दोस्तों संजू सैमसन भी है, ध्रुव जुरैल भी है, 3 वहां पर ऑप्शन है। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मार्कस स्टोइनिस, रिसेंट में 16 रन 3 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 3 विकेट, 11 रन 3 विकेट, हेड टू हेड में 5 विकेट है, बैटिंग से 29 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 208 रन। ग्राउंड की बात करें तो 3 मैचों में 1 विकेट है, 21 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, 63 रन है। आईपीएल फॉर्मेट में 39 विकेट है, 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 1478 रन है। इस खिलाड़ी को दोस्तों स्मॉल लीग टीम में सेफ कैप्टन प्लस में सेफ वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी रहेगा। उसके साथ दोस्तों कुणाल पांड्या रिसेंट में 49 रन प्लस में 1 विकेट, 45 रन 1 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट, फिर यहां पर फिर से 1 विकेट। हेड टू हेड में 10 मैचेज, टोटल 117 रन, 19 के एवरेज स्कोर से, प्लस में 4 विकेट। ग्राउंड पे दोस्तों 3 मैचेज, टोटल 13 रन, प्लस में 1 विकेट। आईपीएल फॉर्मेट में 70 विकेट इसके पास है, टोटल 113 मैचों में 1514 रन इस खिलाड़ी के पास है, 21 मैचों में 21 के एवरेज स्कोर से। यहां से दोस्तों दोनों ऑलराउंडर के ऑप्शन की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस इंपोर्टेंट खिलाड़ी रहेगा, यहां से दोस्तों कुणाल पांड्या को अभी के लिए ड्रॉप करके चलना। फिर दोस्तों आयुष बदोनी रिसेंट में यहां पर 87 रन प्लस में 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 31 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 3 मैचेज, बैटिंग से फ्लॉप है, 1 विकेट है, ग्राउंड पे 1 ही रन है। आईपीएल फॉर्मेट में 2 विकेट है, 22 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 399 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। और ये दोस्तों दोनों विकेट इस खिलाड़ी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही निकाली है, अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप करके चल सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में शिवम मावी इंपोर्टेंट प्लस में ट्रम्प प्लेयर रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्लेयर बैटल में इस खिलाड़ी का नाम लगभग हर प्लेयर बैटल में देखने को मिला है। रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में 3 मैचों में परफॉर्मेंस है, 1-1 विकेट है, हेड टू हेड में 13 विकेट है, ग्राउंड पे 1 विकेट है। आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 30 विकेट इसके पास है, टोटल 32 मैचों में। यहां से दोस्तों शिवम मावी इंपोर्टेंट प्लेयर है, प्लस में वॉइस कैप्टनसी में भी अच्छी च्वाइस देखने को मिल सकती है। उसके साथ दोस्तों नवीन उलग की बात करें तो रिसेंट में 3 विकेट, फिर कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, अभी रिसेंट में पीएसएल के मैचों में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने किया है। हेड टू हेड में दोस्तों फ्लॉप है, ग्राउंड में फ्लॉप है, आईपीएल फॉर्मेट में 11 विकेट इसके पास है, टोटल 8 मैचों में। उसके साथ दोस्तों रवि बिश्नोई रिसेंट में फ्लॉप, फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप था, फिर 2 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, 52 मैचेज, आईपीएल फॉर्मेट के 53 विकेट इसके पास है। हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक 2 ही विकेट है, ग्राउंड पे इस खिलाड़ी के पास विकेट नहीं है। यहां से दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में नवीन उलग को ट्राई करके चल सकते हो, रवि बिश्नोई को ड्रॉप करके चलना, क्योंकि स्पिनर्स में दोस्तों कुणाल पांड्या आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा। फिर आपके लिए यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दोस्तों अश्विन भी ऑप्शन में है, फिर यहां पर आपके लिए यूजी चहल भी ऑप्शन में है, क्योंकि काफी ज्यादा आपके लिए बॉलर ऑप्शन पे है, और इस खिलाड़ी को दोस्तों अभी के लिए ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके साथ दोस्तों मोहसिन खान जो कि फाइनल बॉलर रहेगा, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस है इस खिलाड़ी की तरफ से, हेड टू हेड में फ्लॉप है, ग्राउंड पे पहला मैच है, आईपीएल फॉर्मेट में 17 विकेट इसके पास है, टोटल 14 मैचों में।
ये दोस्तों फाइनली आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग एंड डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग में दोस्तों मोहसिन खान, इसके साथ नवीन उल हक, फिर दोस्तों कुणाल पांड्या, शिवम मावी, यश ठाकुर। और डेथ में दोस्तों मोहसिन खान, नवीन उल हक, यश ठाकुर और इसके साथ दोस्तों शिवम मावी। तो यहाँ से शिवम मावी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इसके साथ दोस्तों यश ठाकुर की बात करें, इसके बेंच प्लेयरों की बात करेंगे, इस खिलाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है। नवीन उल हक, इसका भी दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ में दोनों में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा। बात कर लेते हैं इनके फाइनली बेंच प्लेयरों के बारे में। बेंच प्लेयर दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी नजर आएंगे, केएल मायरस है, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों परफॉर्मेंस है, 46 रन 1 विकेट, 28 रन 1 विकेट, 50 रन 2 विकेट, 25 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 52 रन है, ग्राउंड पे 52 रन है, आईपीएल फॉर्मेट में 29 का एवरेज स्कोर बैटिंग से टोटल दोस्तों 13 मैचों में। उसके साथ दोस्तों दीपक हुड्डा है, फिर यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम है, और यहाँ से दोस्तों यश ठाकुर की बात करें, अमित मिश्रा की बात करें तो दोनों का रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। अमित मिश्रा 19 मैचों में दोस्तों 30 विकेट इसके पास है, हेड टू हेड में ग्राउंड पे 5 विकेट है, और दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में 173 विकेट इस खिलाड़ी के पास है। अगर अमित मिश्रा खेलता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल के बारे में। केएल राहुल दोस्तों ट्रेंट बोल्ट 57 बॉल में दोस्तों 86 रन प्लस में 2 बार आउट कर चुका है। यूजी चहल दोस्तों 1 बार कर चुका है। संदीप शर्मा को विकेट नहीं मिली है, आवेश खान को भी नहीं मिली है। क्विंटन डिकोक, यूजी चहल दोस्तों 6 बार आउट कर चुका है। अश्विन 4 बार आउट कर चुका है। ट्रेंट बोल्ट 2 बार कर चुका है, 2 बार संदीप शर्मा। फिर दोस्तों यहाँ पर मार्कस टोइनिस 2 बार आउट कर चुका है यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट। और देवदत्त पादिकल की बात करें तो दोस्तों रवि अश्विन की बात करें तो 1 बार आउट कर चुका है। ट्रेंट बोल्ट 1 बार कर चुका है, संदीप शर्मा 1 बार कर चुका है, आवेश खान 1 बार आउट कर चुका है, निकोलस पूरन, ट्रेंट बोल्ट दोस्तों 1 बार आउट कर चुका है, अश्विन 1 बार कर चुका है, यूजी चहल 1 बार कर चुका है, संदीप शर्मा 1 बार 12 बॉल में ओनली 17 रन, और नवदीप सैनी 7 बॉल में 7 रन प्लस में 1 बार आउट कर चुका है। ये दोस्तों आपको प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जिस भी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा ऑप्शन में नाम है वो खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होगा। तो यहाँ से दोस्तों ट्रेंट बोल्ट का लगभग हर ऑप्शन में नाम है, तो सीवीसी में अच्छा ऑप्शन है। संदीप शर्मा की बात करें तो संदीप शर्मा का भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये खिलाड़ी भी इंपोर्टेंट है। यूजी चहल दोस्तों क्विंटन डिको को 6 बार आउट कर चुका है 39 बॉल में, टोटल 44 रन इस खिलाड़ी ने दिए हुए हैं, तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से प्लेयर बैटल में जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा नाम देखने को मिलता है वो खिलाड़ी इंपोर्टेंट प्लेयर है। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी प्लस में ट्रम्प प्लेयर। तो दोस्तों फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल, इसके साथ जोस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, इसके साथ दोस्तों यहां से केएल राहुल, क्विंटन डिकोक, मार्कस टोइनिस, रवि बिश्नोई। ट्रम्प प्लेयरों की बात करें तो हेटमायर, संदीप शर्मा, देवदत्त पाडिकल, उसके बाद शिवम मावी। ये दोस्तों टोटल 4 खिलाड़ी आपको ट्रम्प प्लेयर में देखने को मिलेंगे। ये 8 खिलाड़ी दोस्तों आपको हाई सिलेक्शन में देखने को मिलेंगे। इन खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन रहेगा, इन 4 खिलाड़ी दोस्तों सबसे लो सिलेक्शन प्लस में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आज के मैच में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से माई इलेवन सर्कल को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहली बार डिपॉजिट करते हो, अगर मान के चलो यहाँ से आपने 1000 रुपए अगर इस फैंटेसी ऐप में डिपॉजिट किए तो आपको लगभग 1200 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट में मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप डाउनलोड करते हो प्लस में दोस्तों मेरा रेफर कूपन अगर लगाते हो तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। प्लस में दोस्तों 1500 रुपए का आपको वेलकम बोनस, प्लस में जो आपकी जो एंट्री होगी 1 रुपए में दोस्तों आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ है, तो मान के चलो आगे चलकर कितना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आपकी जो एंट्री फीस है 1 रुपए में एंट्री फीस देखने को मिलेगी अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करते हो। प्लस में दोस्तों अगर आपकी जो रैंक है टॉप 10 में देखने को मिलती है तो आप यहां पर महिंद्रा थार प्लस में इसके साथ काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस विन कर सकते हो। तो जल्दी से दोस्तों डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से मेरी आज की जो फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी। यहां से दोस्तों मैंने 4
विकेट कीपर ऑप्शन पिक किए हुए हैं। यहाँ से दोस्तों आपको दो विकेट कीपर देखने को मिलेंगे, नीचे चार बैटिंग ऑर्डर, यहाँ पर दोस्तों दो ही बैटिंग ऑर्डर कैप्टनसी, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल उसके साथ मार्कस स्टोइनिस, यहाँ पर दोस्तों कैप्टनसी मैंने मार्कस स्टोइनिस इसके साथ ट्रेंट बोल्ट ये मैंने ऑप्शन में रखे हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने ट्रम्प प्लेयर लिया है आयुष बदोनी को, इधर से दोस्तों मैंने केएल राहुल के साथ निकोलस तुरन, इसके साथ यहाँ पर क्विंटन डिकॉक। कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो तीन कॉम्बिनेशन दोस्तों बन सकते हैं, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन और एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक कॉम्बिनेशन दोस्तों ये भी बन सकता है ओपन जो खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे, ऑलराउंडर में ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो कि मैंने लगाया हुआ है। यूजी चहल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और यहाँ पर बिश्नोई की जगह दोस्तों आप युजवेंद्र चहल को ट्राई करके चल सकते हो, प्लस में संदीप शर्मा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। ये आज के फाइनल कॉम्बिनेशन रहेंगे, बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।